भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ल ने भाजपा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। गोरखपुर में उन्होंने एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह को अपना त्याग पत्र सौंपा। इस दौरान पार्टी से अपने 39 साल के रिश्तों का जिक्र करते हुए वो भावुक भी हो गए। शुक्ल को जो है 12 फरवरी को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वो 18 फरवरी को शपथ लेंगे। आइए सुनवाते हैं इस्तीफा देते हुए राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ल ने क्या कुछ कहा। जिस विचारधारा के साथ और जिस पार्टी के साथ अपने जीवन के एक एक क्षण को जिया था, आज उसे मुझे त्यागपत्र देना पड़ रहा है, तो ये भावुक होना स्वाभाविक है। लेकिन मेरे आगे संवैधानिक बाध्यता है, जिसको महामहिम राष्ट्रपति जी ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में मुझे मेरी नियुक्ति की है। तो ऐसे क्षण में मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं रह सकता हूँ।